देवभूमि उत्तराखंड में डेंगू का कहर लगातार जारी है। प्रदेश में लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग की तमाम कोशिशों के बाद भी डेंगू के मरीजों की संख्या कम नहीं हो रही। राजधानी देहरादून में ही डेंगू के मरीजों की संख्या 650 पहुंच चुकी है। साथ ही जांच में 40 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। डेंगू से कई मरीजों की जान भी जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डेंगू से बचाव और जागरूकता के लिए अभियान चलाया जा रहा है। ये जो आप फिगर बता रहे हैं 600 650 का, ये पूरे ऑल ओवर जो है देहरादून का फिगर है। हमारे अस्पताल में जो है डेंगू के पेशेंट जो आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग पेशेंट को यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ, पहले करीब हमारे पास 34 बेड्स थे, और 34 बेड में अभी कल हमारे पास 72 पेशेंट थे, आज 65 है, पहले से कुछ कम हुए हैं। सभी का यहाँ उपचार किया जा रहा है। कुछ संख्या बढ़ जरूर रही है, उसी हिसाब से प्रोफेशनली बेड की संख्या यहाँ बढ़ा दी गई है। अस्पतालों में डेंगू के मरीजों का खास ध्यान रखा जा रहा है। अस्पतालों में डेंगू के मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जा रही है। इसके बावजूद अस्पतालों में डेंगू के मरीजों का तांता लगा हुआ है। उत्तराखंड में डेंगू लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है और लगातार मरीजों की संख्याओं में इजाफा हो रहा है, क्योंकि अगर बात करें 650 से ज़्यादा डेंगू की मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। और आप देख सकते हैं पीछे की किस तरीके से ये जो बेड लगाए गए हैं डेंगू के बाद, लगातार बेडों की संख्या बढ़ा दी गई है। और देख सकते हैं कि जिस तरीके से बार्ड जो अंदर थे वही अब बेड बार्ड बाहर लगा दी गई, क्योंकि लगातार डेंगू के मरीजों में इजाफा हो रहा था। क्योंकि अगर बात करें तो 7 मरीजों की अभी तक डेंगू से मौत हो चुकी है, वही एक डॉक्टर भी इसकी चपेट में आता दिखा है फिलहाल, और एक डॉक्टर की भी मौत डेंगू से हो चुकी है फिलहाल। जिस तरीके से अगर सुविधाओं की बात करें तो प्रशासन की तरफ से सारी सुविधाएं लगातार कर दी गई, और अगर देखा जाए तो डेंगू के चलते लोगों को इतना खौफ है कि लगातार जाँच भी, खून की जाँच भी करवा रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो तीमारदार हैं, जो डेंगू की साथ में चपेट में है, तो उनके साथ में भी कुछ लोग हैं। सर, क्या है, क्या मामला, किस वजह से भर्ती किया गया? उसके पेट में सूजन है। डेंगू को लेकर भी कुछ लगातार ये चल रहा था कि इसमें मरीज डेंगू का भी है और सूजन भी पेट। कहाँ से आए हैं आप? ये देहरा से। कब से भर्ती हैं? ये कल 3 दिन हो गया लगातार। जिस तरीके से अगर देखा जाए तो अभी बताया जा रहा है कि 3 दिन से भर्ती हैं, और जिस तरीके से अगर डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, और फिलहाल ये आलम उत्तराखंड का है जहां पर 700 मरीजों की संख्या लगातार बढ़ चुकी है फिलहाल, और एहतियात बरतने के लिए भी लगातार प्रशासन अपनी जद्दोजहद में लगा है। कैमरामैन राजेश के साथ मैं प्रतीक पाठक, RNN TV देहरादून।